पैन गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। साथ में ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और साबुत धनिया। इनको भून लेते हैं। जीरा भुन गया है, इसमें डालेंगे हम हींग। साथ में ही डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। इसको हल्का ब्राउन करेंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच। इसको भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए, तब तक। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। साथ में डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। इनको हम भून लेते हैं तकरीबन 1 मिनट तक। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे अमचूर पाउडर, मिक्स करेंगे। साथ में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मिक्स करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। ये हमने 3 मीडियम साइज के उबले आलू लिए हैं और हल्के से इनको मैश कर दिया। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले और 2 मिनट हमें लगातार चलाते हुए इनको तेज गैस पे भून लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इस टाइम हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और इसको 1 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आलू भुन गए हैं, भुनने जैसी अच्छी सी खुशबू आ गई है। गैस को हम बंद करेंगे और इनको ठंडा करेंगे। 1 कप बेसन लेंगे और 2 बड़े चम्मच हम लेंगे चावल का आटा। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन। साथ में ही डालेंगे हम सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। 1/4 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। साथ में डालेंगे हरा धनिया और धीरे धीरे पानी डाल के हम इसका घोल बनाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए ऐसा बैटर चाहिए हमें। आलू मिश्रण ठंडा हो गया है। एक हम ब्रेड लेंगे और उस पर आलू फैला देंगे अच्छे से। इसी तरह दूसरी ब्रेड भी हम तैयार कर लेंगे। अब एक पनीर का पीस लेंगे, इसको बीच में रखेंगे और दूसरी ब्रेड हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे चारों तरफ से। अब ब्रेड को बेसन के बैटर में हम डिप करेंगे, चारों तरफ से। अब तेल कढ़ाई में गर्म हो गया है, उसमें हम डाल देंगे और धीमी गैस पे करारा होने तक सेक लेंगे। ब्रेड पकौड़ा दोनों तरफ से करारा हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा तेल हम निचोड़ देंगे। इसी तरह बाकी पकौड़े हम तैयार कर लेंगे। ये लीजिए तैयार है ब्रेड पकौड़ा। इसको गरम गरम चाय के साथ सर्व करें। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और झटपट रेसिपी के साथ।